बात कही है। इसी तरह से जुलहिज्जा के पहले अशरे में 9 दिन तक रोज़े रखना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जुलहिज्जा के पहले 9 दिनों में, 10वें का रख सकते हैं आप रोज़ा, क्यों नहीं रख सकते, इसलिए कि 10वें को ईद होती है और ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। तो आप 9 दिनों तक रोज़ा रख सकते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम 9 ذی الحجہ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुलहिज्जा के 9 रोज़े रखा करते थे, यानी 1 से लेकर 9 तक रोज़े रखना ये सुन्नत है। अगर कोई ना रखे गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन रखना चाहिए, यह अच्छी चीज़ है। अगर किसी में ताकत है वो आदमी रोज़े इन 9 दिनों के रखे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको इमाम अबू दाऊद वगैरह ने रिवायत किया है और इसकी सनद सही है।